अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है। कहा जा रहा है, शो डेट द पॉइंट -1/2, -5/2 इज़ द सेंटर ऑफ अ सर्कल सर्कमस्क्राइब ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, 1, 1, 2, -2, 3। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले हमें फिगर की ज़रूरत होगी। तो हम एक सॉल्यूशन में ही फिगर ड्रॉ करेंगे और फिगर क्या कह रही है वो देखते हैं। तो देखिए, सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल क्या होता है कि एक ट्रायंगल हो और उसके अंदर अगर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जाए तो वो बन जाता है सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल। तो कहा जा रहा है कि हमारा ये जो सेंटर है जिसे हमने ओ का नाम दिया है, ये सेंटर सर्कल का। तो सर्कल सर्कम्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें सर्कल के सेंटर से लेकर जितने भी वर्टिसेस हमें गिवन है ए बी सी, इन इधर तक का डिस्टेंस हमारे पास सेम है। तो डिस्टेंस सेम है मतलब ओ ए, ओ बी और ओ सी हमें कैलकुलेट करना है। अगर ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास सेम आते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेट किया, मतलब जो हमने सपोज करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हुए। तो हमने सेंटर को ओ कह दिया और कहा है ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, और तीनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया ए कॉमा बी कॉमा सी, बी द पॉइंट्स। उसके बाद हमने नेक्स्ट हेडिंग डाली जो हमें प्रूफ करना है। हमें प्रूफ क्या करना है कि सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस यानी ओ ए, देन अगेन सेंटर से लेके बी तक का डिस्टेंस मींस ओ बी, और फिर सेंटर से लेके सी तक का डिस्टेंस ओ सी, ये तीनों इक्वल आने चाहिए तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव होगा। तो इसलिए हमने टू प्रूफ में ये लिखा ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ सी। इसके बाद हमने सबसे पहली हेडिंग डाली फॉर ओ ए, ओ पॉइंट लिखा जो कि है -1/2, -5/2, और ए पॉइंट लिखा 0, 1। अच्छा देखिए, प्रूफ में जो हेडिंग डाली है हमने ओ ए इज़ इक्वल्स टू ओ बी इज़ इक्वल्स टू ओ सी और ओ डी, तो ओ डी कुछ भी नहीं है, ये मिस्टेक हो चुकी है, इसको इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ ओ सी तक है। फिर दोबारा आ जाए अपने फार्मूला पे, हमने हेडिंग डाली है यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है ओ ए इज इक्वल्स टू √(x2 − x1)² + (y2 − y1)²। फिर फार्मूला के बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, ओ ए इज इक्वल्स टू √। अब फार्मूला में लिखा है √(x2 − x1)² तो √(x2) आप लोगों को पता है 0 है, देन √(x1) हमारे पास ओ का कॉमा से पहले वाला टर्म होगी। तो कॉमा से पहले हमारे पास लिखिए −1/2, तो फार्मूला का माइनस और 1/2 वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गए, +1/2 और ब्रैकेट क्लोज √(x2), देन फार्मूला का प्लस साइन, देन y2 हमारे पास है 1 और फिर फार्मूला का माइनस, और फिर y1 हमारे पास है 5/2, देन राउंड ब्रैकेट क्लोज और √(x2). फिर थर्ड स्टेप देखिए, ओ ए इज इक्वल्स टू √, फिर हमने क्या किया, 0 + 1/2 ऑब्वियसली 1/2 ही रहेगा तो इसका √(x2) हो गया, देन प्लस का साइन। फिर सेकंड टर्म पे जो है एलसीएम हो रहा है, एलसीएम हमने लिया डिनोमिनेटर में 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 है और 5/2 है, तो हमने डिनोमिनेटर में 2 लिखा और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब की तो 2 × 1 = 2 हो गया, और 1 के डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 × 5 = 5 हो गया। ये सिंपल एलसीएम लेने का तरीका है जो आप लोग शुरू से लेते आ रहे हैं, का √(x2) हो गया, देन 1/2 का √(x2) इक्वल हुआ 1/4 के, देन प्लस का साइन, 2 − 5 इक्वल हो गया −3/2 के √(x2) के,
देन माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और माइनस साइन हट गया क्योंकि पावर हमारी इवन थी, और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ दोबारा एलसीएम हो रहा है, जब डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर को हम वन टाइम कॉपी करने के बाद न्यूमरेटर को एज इट इज़ उतार देते हैं। तो न्यूमरेटर हमारे पास है 1, देन प्लस का साइन, फिर 9, 1 + 9 10, तो ये हो गया अंडर रूट 10/4। 10 का रूट नहीं होता तो ये 10 रूट एज इट इज़ रहेगा, लेकिन 4 का रूट होता है, तो 4 का रूट क्या होता है 2। तो अब जो हमारे पास बना है ये बना है अंडर रूट 10/4। तो हमारे पास ओ ए का डिस्टेंस आया अंडर रूट 10/2 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट आइडियल हमने डाली फॉर ओ बी, पॉइंट ओ लिखा -1/2 देन -5/2, फिर पॉइंट ए लिखा जो कि है 1/2। दोबारा से सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाया, अंडर रूट x2 -x1 होल स्क्वायर +y2 -y1 होल स्क्वायर। इसके बाद हमने y2 और x2 और x1 की वैल्यू पुट की, तो x2 हमारे पास है 1 और दोबारा से फार्मूला का माइनस, और x1 हमारे पास है -1/2, तो फार्मूला का माइनस और 1/2 का माइनस प्लस हो गया, और साइन हमने सेंटर में लिखा प्लस। तो ये हुआ 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, देन प्लस का साइन जो कि फार्मूला का है, देन y2 - y1 की जगह y2 हमारे पास है 2 और y1 हमारे पास है 5/2, तो 2 - 5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दोबारा एलसीएम हो रहा है, तो थर्ड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप देखिए, पहले तो हमने पहली टर्म में जो लिखा है 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो एलसीएम लिया तो 2 × 1 = 2, देन 1 एज इट इज़ क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 के 1 है, तो 1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 ही रहेगा, तो 1 + 2 इक्वल हो गया 3 के। स्टेप नंबर 4, 3/2 होल स्क्वायर देन प्लस का साइन। फिर स्टेप नंबर 3 को देखिए, 4 - 5 = -1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा स्टेप नंबर 4 हो गया। अब दोनों पे होल स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में जो 2 है उसका स्क्वायर हो गया 4। सेम एज इट इज़, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और माइनस साइन इवन पावर की वजह से ख़त्म हो गया, और 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में जो 2 है 4 हो गया। अब हमने देखा जब डिनोमिनेटर सेम है तो उसको वन टाइम कॉपी करके न्यूमिनेटर को हम ऐड कर देते हैं, तो 9 + 1 हमारे पास 10 हो गया। तो यहाँ एक स्टेप कम है क्योंकि पीछे हम कर चुके हैं स्टेप, वो था अंडर रूट 10/4। 10 किसी का रूट नहीं है लेकिन 4 रूट है, इसीलिए 4 किसका रूट है 2, तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया अंडर रूट 10/2 यूनिट। ओ ए हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ओ बी भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फॉर ओ सी, और हमने ओ पॉइंट भी लिख दिया और सी पॉइंट भी लिख दिया। सी एक्चुअली हमारे पास -2, 3 है, लेकिन यहाँ पे ओ और ए लिखा है तो ये ए नहीं सी है। देन आप हेडिंग डालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे x2 - x1 होल स्क्वायर +y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 हमारे पास है -2, देन फार्मूला का माइनस, देन x1 हमारे पास है -1/2, तो 1/2 का माइनस, फार्मूला आपका माइनस और -1/2 का माइनस। तो देखिए सेकंड स्टेप में रूट के अंदर जो पहला राउंड ब्रैकेट का स्क्वायर है इसमें एलसीएम होगा, एलसीएम में हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो 2 × 2 = 4 हो गया, और -2 है तो इसलिए -4 हो गया स्टेप नंबर 4 में। फिर दोबारा देखिए स्टेप नंबर 2 को, -2 के डिनोमिनेटर में 1 है और 1 जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 × 1 = 1, ये स्टेप नंबर 3 में हमने लिख दिया -4 + 1 और डिनोमिनेटर में सेम वही 2 का होल स्क्वायर, देन प्लस साइन। फिर स्टेप 2 देखिए, 3 × 2 = 6 -
और देन 3 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो 1 5 ज़ा 5 का होल स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट ओपन, माइनस थर्ड स्टेप, -4 + 1 = -3, स्टेप नंबर 3, -3/2 का होल स्क्वायर, देन प्लस साइन, देन अगेन स्टेप नंबर 3 देखिए, 6 - 5 = -1, तो स्टेप नंबर 4 पे हमने लिखा -1/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद स्टेप नंबर 5 वही कैसे हुआ ये, स्टेप नंबर 4 में दोनों पे होल स्क्वायर है, तो हमने -3 का होल स्क्वायर लिया तो 9 हो गया, और अपॉन में 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, देन प्लस साइन, -1 का स्क्वायर 1, और डिनोमिनेटर में 2 है तो उसका स्क्वायर 4। अच्छा, दोनों के माइनस साइन कहाँ गए, क्योंकि पावर इवन थी, ख़त्म हो गए। एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर सेम थे तो 4 हो गया, न्यूमरेटर्स ऐड करा दिए, 9 + 1 = 10 हो गए, तो √10/2 आंसर हो गया हमारा। तो देखिए ओ ए ओ बी ओ सी तीनों हमारे पास आ रहे हैं √10/2, मतलब सेंटर से लेके ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस, सेंटर यानी ओ से लेके बी तक का और ओ से सी तक का डिस्टेंस हमारे पास सेम आया, और हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो हम एंड में अब लिखेंगे, हैंस इट इज़ प्रूव डैट ओ ए ओ बी एंड ओ सी इज इक्वल, क्योंकि तीनों इक्वल है, तो ये सर्कल सर्कम्स ट्राइंगल ट्राइंगल है।